हेलो ट्रेडर्स, वेलकम ट्रेंड एंड स्टॉक्स। देखिए, जब भी सारी चीजें सही जा रही होती हैं आपकी ट्रेड में, तो कहीं ना कहीं से कुछ एक ऐसी चीज आ जाती है जो पूरे सेटअप को बिगाड़ कर आपको लॉस में ले जाती है। बहुत अच्छी तरीके से मार्केट्स अपने लेवल को कंडक्ट कर रहे थे और पूरी उम्मीद थी कि शायद अब यहां से इस लास्ट वीक के अंदर 16,000 के मार्क का बेस आज ही बनता हुआ नजर आ जाएगा, यानी कि मंडे को कुछ ऐसी मूव्स हमें देखने को मिल सकती थी जो 16,000 के लेवल को अप्रोचेबल बना दे। ऐसा एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमारे दिमाग में था जब हम आज से ठीक पहले एनालाइज कर रहे थे निफ्टी को। और देखिए हुआ क्या, बेसिकली उससे एग्जैक्टली अपोजिट जैसा यूजुअली नॉर्मली ट्रेडर्स के साथ होता है। जी हाँ, ये एक मजाक भी है एंड एक सच्चाई भी जो आज निफ्टी के ऊपर हमें देखने को मिली। हालांकि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है। देखिए, निफ्टी ने बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है। आज का निफ्टी लो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन 32 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई है। एंड चार्ट्स के ऊपर आज की जो कैंडल है उसका लो हम लोग देख रहे हैं 15,797, यानी कि बहुत बड़ा डिप नहीं लगाया है। एंड क्लोजिंग जो हुई है वो भी एक सस्टेनेबल क्लोजिंग है, मतलब एक डिप के साथ क्लोजिंग, ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट आई हो। बट जानना जरूरी है कि एक्चुअली में आज का कंसोलिडेशन जो टूट सकता था उसको किसने नहीं टूटने दिया। देखिए, बहुत ज्यादा बोरिंग दिखने वाले चाइनीज लोग म्यूजिक भी सुनते हैं। जी हाँ, ये बात मुझे बेसिकली आज ही पता चली। एंड वो लोग बहुत ज्यादा इनफैक्ट म्यूजिक के शौकीन होते हैं। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है टेंसेंट। टेंसेंट एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर एक सब्सिडरी कंपनी है टेंसेंट म्यूजिक। और टेंसेंट म्यूजिक जो एक कंपनी है वो एक्चुअली में चाइनीज म्यूजिकल इंडस्ट्री के ऊपर 80% कब्जा जमा के बैठी हुई है, यानी कि जितने भी म्यूजिकल राइट्स बिकते हैं उनमें से 80% बेसिकली टेंसेंट करती है। और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है चाइनीज गवर्नमेंट जो है अपना तानाशाह वाला रूप जो है, डिक्टेटर वाला जो रूप है, वो अब अपने लोगों पर से निकाल कर कॉरपोरेट्स पर लेके जा रही है। कॉरपोरेट्स के सामने ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन रखे जा रहे हैं कि वहां पर मालिक जो है कंपनीज के वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। अलीबाबा के साथ आपने सुना ही होगा अभी कुछ दिन पहले जो सारी चीजें सुर्खियों में आई थी, और अब यहां पर एक दूसरा किस्सा सुनने में आया है टेंसेंट म्यूजिक कंपनी के साथ में, जिसका बड़ा कारण था, उसकी वजह से हमें देखने को मिला कि हांगकांग के मार्केट्स ने 4% तक की गिरावट दिखाई। 1,000 पॉइंट्स प्लस की गिरावट हांगकांग के मार्केट में थी, एज वेल एज चाइना के मार्केट आप देखेंगे 4.5% की गिरावट के साथ में 700+ पॉइंट्स की गिरावट यहां पर देखने को मिली। तो ये वो मेन बेसिक कारण था जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स के अंदर भी गिरावट आई, या फिर आप कह सकते हैं कि म्यूटेड परफॉर्मेंस रही है। तो चाइना बेसिकली चाहता है कि उस कंपनी का डोमिनेंस ना रहे और वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करे, यानी कि बेसिकली जितने भी म्यूजिक राइट्स हैं उससे लेने की बात कही जा रही है वहां पर, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आती भी दिखाई दी। अब नेक्स्ट क्या मूव रहेगा वो देखना होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको मैं बता देता हूं, नोटिफाई करा देता हूं कि एक नेगेटिव इंपैक्ट था जो आया और आज आके चला गया, यानी कि एक नेगेटिव इंपैक्ट आके चला गया। इस इंपैक्ट की वजह से कल भी मार्केट गिरे ऐसा दिमाग में परसेप्शन हमें नहीं बनाना चाहिए। तो ये चीज अभी आपको नोटिफाई करनी चाहिए कि मार्केट इस रीजन की वजह से तो नहीं गिर सकता, कोई और रीजन हो, कुछ और डोमेस्टिक क्यूज हो या ग्लोबल क्यूज हो, तब डेफिनेटली गिरावट आ सकती है। अब देखिए, जब मैंने ये पेज खोली लिया है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से मार्केट चल रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स की बात करें, डॉ जोन फ्यूचर्स जो है वो काफी नीचे आज ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। हाल फिलहाल डॉ जोन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट सी टेरिटरी में है। नैसडेक, S&P 500 सब फ्लैट ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात करेंगे, वहां पर भी कोई बहुत बड़ा अपमूव नहीं देखने को मिलेगा। जो हैवी वेट इंडाइसीज है वहां पर एक फ्लैट सी परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई दे रही है। एंड अबाउट एशियन मार्केट्स, वो मैंने आपको दिखाई दिया है कि ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे हैं, जिसका देखिए फॉलो थ्रू इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स के ऊपर देखने को मिलता हुआ नजर आया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इंडियन मार्केट्स ने इस नेगेटिव न्यूज को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है, अदरवाइज मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो सकते थे। तो इस टेक्नोलॉजी कंपनी का, ये जो टेंसेंट कंपनी है, इसके ऊपर जो गाज गिरी है चाइनीज सरकार की, उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में कोई बहुत बड़ा नहीं देखने को मिला है। इंडिया विक्स की बात करेंगे, इंडिया विक्स के अंदर आप देखें तकरीबन 6% की तेजी आ जाते हुए दिखाई दी है, 12.45 के लेवल्स पर
इंडिया विक्स पहुंच गया, यानी कि 11-12 पॉइंट से नीचे का लेवल था कल का, उससे ऊपर हम लोग आते हुए दिखाई दिए, इसीलिए हमें मार्केट्स के अंदर नीचे की तरफ एक हलचल देखने को मिली। इसके बाद देखिए एफआईआईज एंड डीआईआईज का डेटा देखें तो आज यहां पर एफआईआईज ने अप्रोक्सीमेटली 2400 करोड़ की बिकवाली करी है, बहुत ज्यादा बिकवाली यहां पर एफआईआईज ने करी है। उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे 1550 प्लस करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने करी है, तो स्टिल डीआईएस आर साउंड टू बी वेरी बुलिश एंड द सेम पैटर्न ऑफ सेलिंग हैज बीन फॉलोड बाय द एफआईआईज। तो ये सेम सिचुएशन है, कोई बड़ा बदलाव इसके अंदर नहीं देखने को मिला है। अब आगे और लेके चलता हूं, मैंने आपको ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स की पोजीशन दिखा दी है, कारण बता दिया है कि क्या कारण था। अब यहां पर अगर हम 29th of July 2021 की बात करते हैं, किस तरीके का डेटा दिखाई दे रहा है निफ्टी का, तो मैं एक चीज आज आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं बेसिकली कि लोगों ने स्ट्रैडल बहुत ज्यादा प्ले कर रखा है। 15,800 के स्ट्राइक प्राइस पर 98,000 प्लस का यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखेंगे एंड 15,800 के ऊपर ही पुट साइड में 1,13,000 प्लस के कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख सकते हैं। अब इनफैक्ट अगर मैं आपको यहां का डेटा दिन में बताऊं तो तकरीबन 1,00,000 प्लस बोथ साइड था, यानी कि 1,00,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे थे कॉल साइड में, 1,00,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे थे पुट साइड में, जो खैर पुट साइड में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 15,800 एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है लोगों का कि शायद मार्केट यहीं पर ही क्लोज हो, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रैडल शॉर्ट स्ट्रैडल यहां पर प्ले किए हुए थे मार्केट्स ने। अब इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि देखिए ये गिरावट आके जा चुकी है, अब अगर यूएस मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट्स फर्दर आज नहीं ज्यादा गिरते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि यहां से फिर हम एक बार रिज्यूम कर सकते हैं ऊपर की रैली। लेकिन अगर यूएस मार्केट के अंदर डाउ जोन्स के अंदर गिरावट देखने को मिली तो डेफिनेटली कल फिर एसजीएक्स निफ्टी भी अगेन एक नेगेटिव ट्रेंड दिखा सकता है। तो आज रात की क्लोजिंग मार्केट्स की, यूएस मार्केट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो वो देखना मत भूलेगा। तो हाल फिलहाल देखिए अपनी चेन पर देखते हैं, अपनी ओआई पर देखते हैं कि अगर रैली रिज्यूम होती है अपसाइड में तो कहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। 15,900 पर 1,13,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स का यहां पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, जो बेसिकली कॉल सेलर्स की, कॉल राइटर्स की फेवरेट पोजीशन नजर आ रही है। इट मींस कि अभी उनका मूड नहीं है 15,900 के ऊपर क्लोजिंग देने का, तो स्टिल यहां से ये चीज आप कह सकते हैं कि 16,000 शायद इस वीक में ना क्रॉस हो, ये पिक्चर यहां से यही शो कर रही है। अगर देखिए मार्केट्स यही ट्रेंड कंटिन्यू करता है, यानी कि गिरावट वाला ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो 15,800 वुड बी अ स्ट्रांग सपोर्ट, जो बहुत नियर है, जिसको आज भी एक बार क्रैक जरूर किया लेकिन उसके बाद की क्लोजिंग जो है उससे ऊपर ही दी है। तो 1,13,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स 15,800 पर पुट साइड में बैठे हैं। इट मींस आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 15,800 पर जो शॉर्ट स्ट्रैडल बैठा है उसका इंपैक्ट आपको यहां पर नजर आ जाएगा, यानी कि 15,800 से नीचे मार्केट को जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट पिछले दो दिन से बहुत ज्यादा म्यूटेड परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और अगर ग्लोबल मार्केट्स के अंदर बिकवाली देखने को मिली आज की ट्रेडिंग सेशन में, तब 15,800 भी डाउन ट्रेंड के मोमेंटम में क्रैक हो सकता है। देन फिर मैं समझता हूं कि इस 79,000 जो यहां पर आउटस्टैंडिंग ओआई दिखाई दे रहा है 15,700 पे, ये एक ऐसा सपोर्ट एक्ट करेगा जो फर्दर अब नीचे गिरने से निफ्टी को बचा ले। तो मेरे हिसाब से 15,700 वुड बी द लोएस्ट रेंज फॉर टुमारो एंड 15,900 वुड बी द हायर और अपर रेंज फॉर टुमारो। तो कल देखिए निफ्टी टुमारो की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओआई की पिक्चर क्या बता रही है, 15,800 से 16,000 तक की रेंज देखने को मिल सकती है, और उसी पैटर्न को आज कंटिन्यू किया मार्केट ने। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि 15,700 से और 15,900 की अगेन 200 पॉइंट्स की रेंज हमें निफ्टी के अंदर दिखाई दे रही है, यानी कि निफ्टी अभी फर्दर कंसोलिडेट हो सकता है, 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखिए ऑल ओवर अगर हम देखें तो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए ऑप्शंस तो बहुत हैं इस वक्त भी, हाउएवर प्रीमियम्स थोड़े कम यहां पर दिखाई देंगे आपको। लेकिन अगर आप सेलिंग करते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया विक्स अभी भी बहुत लो चल रहा है, एंड इसीलिए आपको अपनी कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑप्शन की ट्रेड खासकर सेलिंग साइड में नेकेड नहीं छोड़नी चाहिए।
उनको हेज करके रखिए। स्ट्रैडल ले रहे हो, स्ट्रैंगल ले रहे हो या वर्टिकल स्प्रेड ले रहे हो, कोई भी ट्रेड ले रहे हो, हमेशा उसका एक प्रोटेक्शन बाय जरूर करके रखिए, क्योंकि जैसे ही निफ्टी, जैसे ही इंडिया विक्स बेसिकली ऊपर की तरफ जाएगा, प्रीमियम्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड देन फिर आपको कवर के लिए भागना पड़ेगा अगर आप राइटर हैं, अगर आप ऑप्शन राइटर हैं। तो इसलिए कोई भी ट्रेड को नेकेड मत छोड़िए, कवर करके रखिए, प्रोटेक्शन करके रखिए। तो देखिए ये है मेरा सजेशन आप लोगों के लिए। तो ऑल ओवर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पहली बार ट्रेंडलाइन स्टॉक्स पर आए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें और बराबर में दिया बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मिलता हूं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।